जा देखना तेरे को घोष आया क्या या नहीं। पता था ही ना घोष वाला ये भाई, घोष आया भी है या नहीं। यार सुनो, जब जाते तो आपको जरूर मिलता, आप लेट हो गए हो, आप जा सकते हैं। अच्छा बात सुनो यार, अगली नुक्कड़ वाले घर पे है ना, उसने अभी इस्तीफा किया है, वहां से आपको मिल सकता है। यार देखो उफ यार, फिर कोई घोष वाला होगा, और देख लेना हो सकता है लेके भी आया हो। भाई तेरी बैच भी होगी, अल्लाह ने तेरी सुन ली है। हाँ जो हमें देगा हम उसको देंगे, घोष नहीं है, जिन्होंने हमें देना नहीं है उनको देकर अपनी फ्रिज खाली करवा दे। वैसे बहुत अकल वाली बात है। मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा अरबाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका राजा मंदिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शेरबाज जी। तो दोस्तों आज के लिए मैसेज आपने देखा, हमने पिछली ईद पे भी एक मैसेज बनाया था और बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट और हमें मैसेजेस भी किए कि आप हमें दोबारा मैसेजेस इस तरह के पब्लिक सर्विस मैसेज बनाएं, क्योंकि कुर्बानी देने का मकसद है अल्लाह की रजा को पूरा करना, और कुर्बानी का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपको बोझ रखो। जो लोग कुर्बानी दे चुके हैं या जो आपको देंगे आप दोबारा उन्हीं को ही दें, ऐसे लोगों को ना दें कि जो जिन्होंने नहीं दी, ये गलत बात है। आपने उन लोगों को इस कुर्बानी में याद रखना है, उन लोगों को ये कुर्बानी में याद रखना है, उन लोगों को कुर्बानी देनी है, उन लोगों को गोश्त देना है जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी दी है। आप उन लोगों का ख्याल रखें खुदा के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी। हमारे इस मैसेज अगर आपको ये अच्छा लगा है आप इसको लाइक भी करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।